नमस्कार, मैं पूजा ऑल्ट न्यूज से। रिपोर्ट्स के मुताबिक 27 फरवरी को पाकिस्तानी फाइटर जेट्स LOC क्रॉस कर भारतीय सीमा में घुस आए थे। पाकिस्तानी विमानों को भगाने की कोशिश में एक इंडियन एयरफोर्स के पायलट को पाकिस्तानी आर्मी ने POK में गिरफ्तार कर लिया था। इस घटना के बाद कई पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूजर्स ने एक वीडियो ये दर्शाते हुए ट्वीट किया कि वीडियो पाकिस्तानी एयरफोर्स का इंडियन फाइटर जेट्स पर हमला दिखाता है। You are clear to shoot. जब ऑल्ट न्यूज ने इसकी पड़ताल की तो पाया कि वीडियो मैन्युफैक्चर्ड है, मतलब इसे दो से अधिक अलग अलग वीडियोस को ज्वाइन करके बनाया है। वीडियो की शुरुआत का हिस्सा 2015 के एक वीडियो से लिया गया है जो YouTube चैनल पाकिस्तान डिफेंस ने अपलोड किया था। वीडियो के बाद के दो हिस्से RT न्यूज़ द्वारा अपलोड किए गए 2015 के एक वीडियो का है। RT न्यूज़ के मुताबिक वीडियो डेनमार्क के एयरफोर्स का है। 27 फरवरी को पाकिस्तानी अखबार डॉन ने एक खबर प्रकाशित की कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने दो इंडियन एयरक्राफ्ट मार गिराया और एक पायलट को गिरफ्तार कर लिया। इस लेख के साथ एक दुर्घटनाग्रस्त विमान की तस्वीर भी प्रकाशित की गई। पाकिस्तानी मीडिया में ARY न्यूज़ ने भी इस खबर को ब्रेक करते हुए उस तस्वीर का इस्तेमाल किया और बताया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के द्वारा इंडियन फाइटर जेट मार गिराए जाने की यह पहली तस्वीर है। भारतीय मीडिया में आज तक ने भी उसी तस्वीर का इस्तेमाल पाकिस्तान के दावे पर रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए की और इसे मिग विमान क्रैश बताया। बाद में आज तक ने अपने रिपोर्ट में प्रकाशित उस तस्वीर को बिना किसी स्पष्टीकरण के बदल दिया। ऑल्ट न्यूज़ ने अपनी पड़ताल में पाया कि यह तस्वीर साल 2015 की है, जब इंडियन एयरफोर्स के प्रशिक्षण लड़ाकू विमान उड़ीसा के मयूरभंज जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। द हिंदू के 3 जून 2015 के रिपोर्ट में लिखा गया है कि यह हॉक A3492 विमान लोगों के निवास स्थान से 200 मीटर दूर एक धान की खेत में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, इसलिए जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है और पायलट भी विमान से सुरक्षित बाहर आ गया था। 27 फरवरी को पाकिस्तानी मीडिया ने यह दावा किया कि भारतीय एयरफोर्स के विमान LOC क्रॉस कर उनकी सीमा में घुस आए और इसके जवाब में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एक इंडियन फाइटर जेट को मार गिराया। इस घटना को काफ़ी पाकिस्तानी मीडिया संगठनों ने रिपोर्ट किया और एक चैनल ARY न्यूज़ ने अपने ब्रॉडकास्ट में एक गिरे हुए विमान की तस्वीर दिखाई, पर असल में ये विमान हाल ही में हुए इंडिया पाकिस्तान के बीच वायु हमले का नहीं है। एक ट्विटर यूज़र सचिन सिंह ने यह पॉइंट आउट किया था। गिरे हुए विमान की तस्वीर 2016 की एक घटना की है जब ये विमान जोधपुर में एक बिल्डिंग से टकराया था। ये घटना भारतीय मीडिया पर रिपोर्ट हुई थी और रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान का पायलट भी सुरक्षित बाहर निकल गया था। 27 फरवरी की सुबह पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेज के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने एक ट्वीट करते हुए यह दावा किया कि पाकिस्तान ने अपनी हवाई सीमा के अंदर इंडियन एयरफोर्स के दो एयरक्राफ्ट मार गिराए और एक पायलट को गिरफ्तार कर लिया। इसके तुरंत बाद पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूजर्स ने एक वीडियो इस दावे के साथ वायरल किया कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति इंडियन एयरफोर्स का वह पायलट है जिसे पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया है। एक ट्विटर यूज़र डॉक्टर शाहिद मसूद, जो खुद को ट्विटर पर एयरवेव्स मीडिया ग्रुप के प्रेसिडेंट बताते हैं, उन्होंने भी यह वीडियो इसी दावे से ट्वीट किया। ऑल्ट न्यूज़ ने अपनी पड़ताल में पाया कि यह वीडियो भारत का है और पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूजर्स इसे गलत दावे से शेयर कर रहे हैं। दरअसल यह घटना 19 फरवरी 2019 की है, जब दो सूर्यकिरण विमान बेंगलुरु एरो इंडिया 2019 के रिहर्सल के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। इस हादसे में दो पायलट घायल हो गए थे और एक की मौत हो गई थी। वीडियो में दिख रहे घायल पायलट का नाम विजय सेल के है, जो विमान से पैराशूट के सहारे कूद गए थे।